लोग बहुत ओपन माइंडेडली जाते हैं, अपनी जमा पूंजी यहाँ से इकट्ठी की, साइन किया, घर है, गाड़ी है तो उसको भेजा और उनके हाथ में कुछ कैपिटल आ गया। इस वक्त के कनाडा के माहौल को देखते हुए आप क्या समझते हैं कि नंबर वन, अगर आपने ये स्पेड वर्क किया भी है, जॉब मार्केट्स हर जगह प्रेशराइज हैं, अगर आपको साल सवा साल तक जॉब नहीं मिलती, क्या इतनी तैयारी, इतना कैश आपके पास होना चाहिए? क्या लोगों को आप मशवरा देंगे कि अगर आपको जैसी तैसी भी कोई टेम्पिंग जॉब्स मिल जाती हैं, आप उससे कतराएं नहीं? बेशक अगर आपको वो लग रहा है कि इट्स अ स्टेप डाउन, लेकिन प्लीज़ कर लीजिए सो दैट यू गेन कनेडियन एक्सपीरियंस। या फिर तीसरा तरीका कि कोई छोटा मोटा अपना कारोबार करने की कोशिश करें, इन तीनों में से कौन सा रूट लें? पेंडेमिक और नो पेंडेमिक, आपको एक खास रकम तो साथ अपनी लानी होती थी सेटलमेंट फंड्स की सूरत में, लेकिन साथ में ये मशवरा भी दिया जाता था कि आप जितनी ज़्यादा अमाउंट लेके आएंगे तो उतना ज़्यादा आप अंडर प्रेशर नहीं होंगे कि कोई भी जॉब आपके रास्ते में आई तो आप प्रेशर में आके उसको टेकअप करें, क्योंकि आपको अपना करियर बिल्ड करना है, कभी कभार स्क्रैच से करना है, यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम अ लोअर रंग ऑफ द लैडर। उसके लिए यकीनन कोई लाइसेंसिंग की रिक्वायरमेंट है, कोई अपग्रेड करनी है क्वालिफिकेशन। मेरा मशवरा ये होता है कि आप कनेडियन एजुकेशन हासिल करें और नेचुरली उसके दरमियान में आपको पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, तो पैसा आप लेके आते हैं तो उसमें आपको थोड़ा सा प्रेशर आपका रिलीज होता है। यस, कुछ जॉब्स आप कर सकते हैं साइड में ताकि आपका गुजर बसर हो, लेकिन ये कि सपोर्ट बहुत है। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको एज ए फैमिली वो काफ़ी फाइनेंशियल, और इट्स ए वेलफेयर कंट्री एज वेल, तो आपको ये नहीं होता कि अब हम खाएंगे कहाँ से और रहेंगे कहाँ पर। योर बेसिक्स विल बी टेकन केयर।